अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल चाल है आप सबका। उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, फिट होंगे, खुश होंगे। तो यार आज मैं आपके साथ बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव वीडियो शेयर करने लगी हूँ, क्योंकि आज मैं आपके साथ ऐसे सीरम का रिव्यू देने लगी हूँ ना, जो कि तकरीबन काफ़ी यूट्यूबर्स ने उस पर वीडियो बनाई हुई हैं और सब ने उस सीरम के इतने अच्छे रिव्यूज़ दिए ना, इतने अच्छे रिव्यूज़ दिए ना कि उनके रिव्यूज़ सुन के मैंने भी वो सीरम मंगवा लिया। तो यार वो है जी ये सीरम। आपको इस सीरम का तो पता ही होगा, ये बड़ा ट्रेंडिंग में आया हुआ था और इस सीरम का नाम है राइ स्किन ब्यूटी एसेंस। और इसकी जो आउटर पैकेजिंग है वो कार्डबोर्ड पैकेजिंग है, और जो इसकी इनर पैकेजिंग है वो भी काफ़ी अच्छी पढ़ी लिखी, मतलब एक्सपेंसिव सीरम वाली पैकेजिंग है। आप देख सकते हैं ये जो इसकी शील्ड है ना, वो थोड़ी वेलवेटी है, और जो इसकी बॉटल है वो ग्लास बॉटल है और अच्छा वाला ग्लास है, गिर के टूटने वाला नहीं है। जो इस सीरम की तारीफ़ लिखी हुई है ना इस कार्डबोर्ड की पैकेजिंग पे, वो मैं आपको बताती हूँ। पहले तो लिखा हुआ है कि ये जो सीरम है वो राइस एक्सट्रैक्ट के साथ बना हुआ है, और सेकंड ये आपकी स्किन में अच्छे से अब्जर्व हो जाता है और आपकी स्किन की टोन को लाइट करता है, डार्क स्पॉट्स को क्लियर करता है, आपकी स्किन को टाइट करता है ये सीरम, ठीक है, और आपको अट्रैक्टिव एंड चार्मिंग बनाता है। और यार जब भी मैं वीडियो शूट करती हूँ ना, हमारे मोहल्ले की बाइक्स वगैरह सब कुछ चलने लग जाता है, तो मैंने काफ़ी देर इंतज़ार की है लेकिन वो नहीं थे रुक रहे, तो मैंने आखिरकार वीडियो बनाना स्टार्ट कर दिया। एक तो पंखे का शोर, ऊपर से गली का शोर, मैं बहुत तंग आई हूँ इस चीज़ से। और यार आप ये बॉटल देख सकते हैं कि ये मैंने पूरी खाली कर दी है, बिल्कुल भी नहीं ये बची। पहली बात तो यार इसमें सीरम इतना कम है ना, जिसका बड़ा मुंह हो वो तो 3-4 बार ही लगा सकता है, छोटे मुंह वाले हफ्ते तक इस्तेमाल कर सकते हैं इसको। और मैंने इसको लगाया, इसका कोई रिजल्ट नहीं मुझे मिला। मेरी स्किन पे डार्क स्पॉट है, आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको डार्क स्पॉट्स नज़र आ रहे होंगे, मेरे डार्क स्पॉट्स टस से मस नहीं हुए ना, मुझे अपनी स्किन में कोई चेंजेस नज़र आई, कुछ भी नहीं। इससे अच्छा जो रिज़ल्ट देता है ना, वो हमें सादा पानी दे देता है। और इसकी जो खुशबू है वो इतनी ज़्यादा तेज़ भी नहीं है, थोड़ी परफ्यूम वाली खुशबू है। और इसकी प्राइस है 350 रुपीज़। मुझे लगता है कि ये सीरम 350 रुपीज़ में भी एक्सपेंसिव है, क्योंकि जितना सा इसमें प्रोडक्ट है ना, वो 350 रुपीज़ में बहुत कम है। आपको बहुत अच्छे अच्छे सीरम्स मिल जाते हैं जो कि थोड़े एक्सपेंसिव होते हैं, लेकिन उनकी क्वांटिटी अच्छी खासी होती है, तकरीबन आप उसको महीना इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मेरे लिए तो ये सीरम बिल्कुल भी काम नहीं किया, ठीक है ना, काफ़ी यूज़ किया, लेकिन इसने मेरी स्किन को कोई नुकसान भी नहीं पहुँचाएगी। सीरम होते हैं ना स्किन पर दाने निकाल देते, तो मेरी स्किन पर कोई दाने शाने निकले इसके साथ, ना ही मेरी स्किन अच्छी हुई और ना ही मेरी स्किन बुरी हुई। अगर आप ट्राई करना चाहते हैं तो आपकी मर्ज़ी, लेकिन ये बिल्कुल बेकार सीरम है। मैं आपको यही मशवरा दूँगी कि आप इसको बिल्कुल भी यूज़ ना करें। तो यार बस यही थी मेरी आज की छोटी सी वीडियो, तो आई होप आपको पसंद आई होगी। मैंने बस आपके साथ एक होनेस्ट रिव्यू शेयर किया है, होनेस्ट रिव्यू। अगर आप और भी कुछ चीज़ों के रिव्यूज़ चाहते हैं जो मेरे पास इस टाइम अवेलेबल हैं, तो मैं आपको रिव्यूज़ दूंगी, ठीक है। अल्लाह हाफिज़। आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी, पसंद आई होगी तो मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अल्लाह हाफिज़, इंशाल्लाह मिलेंगे फिर किसी और वीडियो में।